देखो इस तरीके से बैठ के वीडियो बना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि भाई कहानी सुनाने वाला हूँ। हाँ बट ये जरूर है कि भाई ये लाइट मुझे बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा था तो फिर मैंने इसी को फ्रेम बना लिया। अब ये बताओ कमेंट करके कि ये फ्रेम कैसा लग रहा है, थोड़ा सा इको आ रहा होगा तो उसको झेल लेना। बट कहानी शुरुआत करते हैं वहाँ से जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। भाई ये वीडियो अपलोड करने के बाद मैं हो जाता हूँ बिल्कुल फ्री, फिर ऋषभ का कॉल आता है एंड मैं निकल जाता हूँ इको पार्क। भाई अब मुझे कहाँ पता था कि भाई इको पार्क में कुछ ऐसा होने वाला। हाँ वही इको पार्क जहाँ पे सेकेंड हैंड ताजमहल है। वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की, रील शूट किया, फोटो शूट किया, फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। फिर मैं बैठ जाता हूँ एंड मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो खोलता हूँ देखने के लिए कि वीडियो का क्या रिस्पॉन्स है। भाई उस वीडियो के नीचे एक ही तरह के करीब 22-25 कॉमेंट थे। अब देखो कोई भी वीडियो एडिटिंग करने से पहले ना उस वीडियो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैं वीडियो में क्या दिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको शूट करना होगा या फिर पहले स्क्रिप्ट लिखना होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। अब कई बार क्या होता है कि स्टोरी टेलिंग वीडियो बनाने के लिए ना हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम लोग पहले स्क्रिप्ट करें या फिर शूट करें। मान लो कि कल 25 दिसंबर है, आपको शूट पे जाना है, आपके दिमाग में स्क्रिप्ट का आइडिया नहीं आ रहा है, तो आप नॉर्मली जाके वहाँ पे शूट कर लो, जो भी बोलना है वो बोल लो, ठीक है। स्क्रिप्टिंग आप बाद में भी कर सकते हो बट स्क्रिप्टिंग जरूरी है। या फिर आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अच्छा सा बड़ा वाला स्टोरी टेलिंग वीडियो बना रहे हो, तो आप पहले से भी स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करती है कि पहले स्क्रिप्ट लिखें या फिर पहले वीडियो बनाएं या फिर पहले वीडियो बनाएं या फिर पहले स्क्रिप्ट लिखें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से सिचुएशन है आपका। अगर दिमाग करता है तो पहले आप स्क्रिप्ट लिख लो या फिर आप शूट कर लो। अब बात आते हैं एडिटिंग के। तो एडिटिंग के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। अगर आप थोड़ी से प्रोफेशनल लेवल में करना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि फिल्मोरा यूज़ करो या फिर प्रीमियर प्रो वगैरह यूज़ करो। बट अगर आपके पास फ़ोन है तो भाई VN बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। अब VN में जाने के बाद हम लोग सबसे पहले, अगर हम लोग ने स्क्रिप्ट कर लिया है शूट करने के बाद, तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले वॉइस ओवर कर लेंगे। जो जी आपको बोलना है वो आप लोग वॉइस ओवर क्लियर कर लो। वॉइस ओवर करने के बाद आप लोगों को म्यूजिक सेलेक्ट करना है एंड अगर आप YouTube शॉर्ट्स पे डाल रहे हो एंड आपको नन कॉपीराइट से मतलब नहीं है तो आप अच्छे म्यूजिक सेलेक्ट कर लो। उसके बाद क्या क्या चीज़ उस वीडियो में दिखा रहे हो एंड वो चीज़, अगर आपके पास फुटेज नहीं है तो वो चीज़ आप लोग डाउनलोड कर लो एंड स्प्लैश से, वहाँ पे आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं बाइक से गया बट मेरे पास बाइक का फुटेज नहीं है तो मैं बाइक का वीडियो डाउनलोड कर लूँगा अनस्प्लैश से, क्योंकि जो चीज़ आप बोलते हो उस चीज़ को अगर आप टाइमलाइन में दिखाओगे तो वो बहुत अच्छा होगा। चलो ये सारी चीज़, तो आपके पास सारा रॉ फुटेज, सारी आपके पास कच्चा माल तैयार है, अब इसको बस पकाना है। तो सबसे पहले हम लोग VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ना मैंने एक ओवरले अपलोड कर रखा है तो उसको डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ पे सबसे पहले उसी चीज़ को इम्पोर्ट करना है। उसके बाद इसको हम लोग 9:16 में रोटेट कर लेंगे। तो यहाँ क्रॉप में मैं जाऊँगा एंड इसको रोटेट कर लूँगा। रोटेट करने के बाद आपके जितने भी आपने वीडियो शूट करे, मैं एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो कुछ भी मैं वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो जो आप लोगों ने जो आप लोगों को स्टोरी टेलिंग के वीडियो बनाने हैं उसको आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है एंड उसको इम्पोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे म्यूज़िक वाले सेक्शन में जाना है एंड रिकॉर्ड पे टैप करना है। रिकॉर्ड पे टैप करना इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको वॉइस ओवर करना है या फिर आप ऑलरेडी वॉइस ओवर कर सकते हो, पहले से भी वॉइस ओवर कर सकते हो, यहाँ पे भी वॉइस ओवर कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है इस, लेकिन अगर आप यहाँ से डायरेक्ट वॉइस ओवर करोगे तो आपको एक फ़ायदा होगा कि आपका पूरा वीडियो के हिसाब से आप देख देख के भी बोल सकते हो। अगर आपने स्क्रिप्ट नहीं लिखा है तो वीडियो को देख देख के भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने पहले भी स्क्रिप्ट लिख रखा था एंड उसी को मैंने वॉइस ओवर कर रखा है। तो यहाँ पर मैं म्यूज़िक सेक्शन में जाऊँगा एंड ऑलरेडी मैंने एक इम्पोर्ट कर देना है। तो ये हमारा इम्पोर्ट हो चुका है, आप लोग सुन सकते हो। हाय मेरा नाम रोहन है, ये मेरा काम है। तो पहले तो ये म्यूजिक में ऑफ। हाय मेरा नाम रोहन है एंड ये मेरा काम है। तो हाय मेरा नाम रोहन है ये मेरा काम है। तो इस हिसाब से मैं वो वीडियो को इम्पोर्ट कर लूँगा जिसमें मैं दिख रहा हूँगा। तो मैंने एक वीडियो शूट कराया था क्रिसमस डे में, उसको मैंने इम्पोर्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे मैच भी करेगा। हाय मेरा नाम रोहन है एंड ये मेरा काम है। अब देखो ये बहुत ही सिंपल लग रहा है तो इसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करूँगा ताकि वो जो मैं बोल रहा हूँ, जो जो मेरा वॉइस ओवर है उससे बिल्कुल मैच करे। तो यहाँ से मेरा टेक्स्ट स्टार्ट होगा। हाय, एक एक वर्ड करके आपको लिखना है ताकि ज़्यादा अच्छा लगे। अगर एक ही बार लिख दोगे तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद इफेक्ट में जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे ये वाला फॉन्ट यूज़ करूँगा। अगर आप लोग को ये सारी फॉन्ट चाहिए तो मैंने फॉन्ट के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, वो आप लोग चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब देखो अब यहाँ मेरा नाम मैं बोलूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको कट करूँगा
एंड फिर से एक टेस्ट ऐड करूँगा जिसमें मैं लिखूँगा मेरा नाम, एंड इसको मैं येलो कलर कर दूँगा ताकि कलर चेंज होके मेरा फॉन्ट दिखे। फिर से मैं वही फॉन्ट लगाऊँगा एंड अब देखो हाय मेरा नाम, यहाँ पे फिर से मैं इसको क्रॉप करूँगा एंड एक और फॉन्ट ऐड करूँगा जिसमें लिखूँगा मैं अपना नाम, जो कि मेरे वॉइस ओवर से बिल्कुल मैच करेगा। इसको हम लोग पीसिंग बोलते हैं क्योंकि जितना फास्ट कट रहेगा वीडियो में वो उतनी ही ज़्यादा बेहतर लगेगी, तो इसीलिए मैं टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ ताकि वीडियो में मतलब मूवमेंट दिखती रहे। एंड ये देखो आप लोग, हाय मेरा नाम रोहन है एंड ये मेरा काम, एंड यहाँ से मैं फिर से इसको क्रॉप करूँगा एंड एक और टेक्स्ट ऐड कर दूँगा। देखो यहाँ पे मेरा बिल्कुल ही मैच हो चुका है पूरा फॉन्ट। ये इसका मैं आप लोगों को इफ़ेक्ट चेंज कर देता हूँ ताकि ज़्यादा बेटर लगे। ये सारी ऐड करने के बाद अब यहाँ पे जो मेरा वॉइस ओवर है जहाँ पे मैं अपने काम के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ से वीडियो डिलीट होगा एंड यहाँ पे मैं वो वाला वीडियो ऐड कर दूँगा जो आप लोगों को मैंने टेलीग्राम पे ओवरले में दे रखा। मैंने जो भी फ़ोटोज़ क्लिक करी है या मेरा जो काम है आप जो भी करते हो उस चीज़ का स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है वो आप लोगों को डाल देना। मैंने ये डाला तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट यहीं पे एक साउंड इफेक्ट डालूँगा, ये वाला जो शटर वाला साउंड है इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। अब जैसे यहाँ पे है तो इस साउंड के साथ आप 3-4 फोटोज़ डाल दोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये साउंड इफेक्ट डाल दिया है, अब स्टार्टिंग में भी देखो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है तो यहाँ पे एक और ओवरले हम लोग डालेंगे, इसको रोटेट कर देंगे एंड इसको हम लोग ब्लेंडिंग मोड में जाके इसको स्क्रीन कर देंगे ताकि पूरा विजिबल रहे। नाउ हाय मेरा नाम, यहाँ पे फिर से इसको क्रॉप कर देंगे एंड यहाँ पर भी हम लोग एक साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ से टेक्स्ट एक ऐड हो रहा है तो ज़्यादा बेटर लगेगा। अब देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें आप और भी ज़्यादा क्रिएटिविटी कर सकते हो, जिस तरह से मैंने बताया है कि जो जो चीज़ आपका आएगा वहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो या फिर उससे रिलेटेड कोई भी इमेज डाल सकते हो ताकि वीडियो ज़्यादा बेटर लगे। पूरा एडिट करने के बाद ये है मेरा टाइमलाइन। मैंने आप लोग को जो भी नीड था, जो वीडियो में मेनली मैं यूज़ करता हूँ या भी कोई भी जो वीडियो मतलब पीसिंग वाली वीडियो रहती है जिस तरीके से एडिट होती है वो मैंने बता रखा है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर एडिट किया है। एक एक चीज़ मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम मतलब निकल जाएगा। मेनली जो चीज़ है वही मैंने बताया एंड वही पूरे वीडियो में मैंने ऐड करा है। तो ये प्रॉपर वीडियो है जिसको मैंने कल शॉर्ट्स पे भी डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो चेकआउट करो, आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखो जहाँ पे आप लोगों को इमेज ना मिले ना वहाँ पे ये वाला ओवरले ऐड करके आप नॉर्मली टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, बीच में टेक्स्ट, उसके बाद फिर से एक वीडियो आएगा, फिर से एक टेक्स्ट, बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से आप लोग एडिट कर सकते हो एंड प्रॉपर एडिट करने के बाद ये प्रॉपर रिजल्ट है। हाय मेरा नाम रोहन है एंड ये मेरा काम है। हाँ आई एम अ फोटोग्राफर। जब मैं 12th में था तब मुझे फोटोग्राफी का चस्का लगा था, बट उस टाइम तो मैंने कूल बनने के लिए स्टार्ट कर दिया था। बट जैसे जैसे बड़ा हुआ एंड जैसे जैसे लोगों ने काम को अप्रिशिएट किया मुझे बहुत अच्छा लगने लगा एंड मैंने इसी को पैशन बना लिया। फिर 12th कंप्लीट करने के बाद पापा ने फ़ोन दिलवा दिया एंड उसी फ़ोन से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। अब भाई मुझे तो इंजीनियरिंग करनी नहीं थी, मैंने नॉर्मल ग्रेजुएशन में एडमिशन कर लिया एंड मैंने सोचा कि इन 3 सालों में मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना है। फिर मैंने अपने यूट्यूब पे पूरा फोकस किया एंड आज इस चैनल पे 28,000 सब्सक्राइबर हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे एंड ऐसी और कहानी अगर शॉर्ट्स पे देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। एंड ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हो तो आपको पता ही होगा कि लॉन्ग वीडियो में तो हम लोग ट्यूटोरियल डालते ही है, बट अब शॉर्ट्स पे ना हर दिन एक शूट का छोटा सा स्टोरी जरूर आएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दो एंड कॉमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया। एंड अगर आप लोग इस तरह की वीडियो तैयार करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में भी मेंशन करना मत भूलना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या तैयार किया है। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड ये बॉम्ब कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।